नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं खनिया धाना में। खनिया धाना पिछोर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंजाब सिंह यादव साहब हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आप लगातार पिछोर को जिला बनाने की मांग कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान बीच में आकर एक घोषणा भी करते हैं कि हम पिछोर को जिला बना देंगे, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। हालांकि उसके लंबे अंतराल के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो पिछोर को जिला बनाने की किन आशाओं को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए? मैं इस आशा नहीं विश्वास के साथ आया हूँ कि प्रीतम लोधी जी को हम विधायक बनाएंगे। जैसा कि महाराज सिंधिया जी के सानिध्य में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है कि आप विधायक बनाओ मैं जिला बनाऊंगा, यही बात उन्होंने निवाड़ी में भी कही थी जब निवाड़ी को जिला बनाया था। अनिल जैन जी जब विधायक बने उन्हें जिला, और जो आप अंतराल बता रहे हैं कि ये बात कहने के बाद मैं इतना रुका क्यों, इसलिए रुका कि कल लोग ये ना कह पाएँ कि मेरा मन सिर्फ भाजपा के लिए जाने में था। मेरा मकसद था कि शायद यहाँ से जो विधायक हैं आदरणीय के पी सिंह जी, वो ये इस बात को कहेंगे कि मेरी सरकार बनने पर मैं जिम्मेवारी लूँगा और पिछोर खनिया धाना को जिला बनाऊँगा, क्योंकि उनको ये बात पहले कहना चाहिए थी। वो 30 साल से विधायक, 30 साल से इस क्षेत्र की जनता उन्हें विधायक बना रही, तो उनका पहला दायित्व था। जबकि वो कहते हैं कि हमने लेटर भी लिखा, तो लेटर लिखा था तो आपको तो ये बात पहले कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा क्या कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए जब मैंने लास्ट तक ये प्रयास किया कि आप इससे मजबूत बात कांग्रेस नहीं कह रही है, तब हमें लगा कि हमारे लिए जिला ज़रूरी है। और एक बात और मैं मानता हूँ कि जिले के साथ साथ मेरी भावना हमेशा राष्ट्रवाद की रही, जहाँ परिवारवाद ना होकर राष्ट्रवाद हो, जहाँ लोगों में समानता हो, लोगों का विकास और भारत को वहाँ ले जाने की ज़रूरत हो, जहाँ हम अपने ही देश में अपने ही प्रदेशों में जाने से डरते थे, अपने देश की भारत माता की जिंदाबाद कहने से डरते थे, आज हम उन राज्यों में भारत माता की जिंदाबाद बड़े गर्व से बोल रहे हैं। आप कश्मीर को ले लो, कश्मीर में हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे, कश्मीर में हम भारत माता की जिंदाबाद नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज कश्मीर में अमन चैन के साथ साथ, कश्मीरी अमन चैन में वो खुश हैं, रोजगार के साथ साथ, इस बात को भारत का हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हम राष्ट्र को जहाँ ले जाना चाहते, राष्ट्र का सम्मान, वहाँ भी सम्मान पहुँच रहा है। और उसी सम्मान को पहुँचाने का काम आदरणीय महाराज सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान जी जिला बनाकर इस पिछोर खनिया धाना की उस पावन भूमि को, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की कर्म स्थली रही, क्रांति का आगाज हुआ, उस भूमि को जिला बनाकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाएंगे और जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। संवैधानिक तौर पर हम लोग जाति को संवैधानिक रूप से नहीं ले सकते, लेकिन आज के दौर में एक ये भी सत्य है कि जाति के हिसाब से ही आधी से ज़्यादा राजनीति चलती है। 35,000 यहाँ पर यादव वोटरों का होना, आपका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, उसके दो दिन बाद कांग्रेस पार्टी अपनी एक टिकट पिछोर विधानसभा सीट से डिक्लेयर करती है, और एक ऐसी सीट जहाँ 6 बार से लगातार एक ही प्रत्याशी को जनता चुनकर भेज रही है, लेकिन पंजाब सिंह यादव का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना और उसके तत्काल बाद ये टिकट जो पिछोर से के पी सिंह कक्का जो यहाँ से 6 बार से विधायक थे उनका शिवपुरी से टिकट होना, यहाँ शैलेंद्र प्रताप सिंह का टिकट होना, इसको आप कैसे देखिए? ये लोगों को समझना चाहिए, इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि आज भी जिन लोगों ने, जिन समाजों ने उनका पूरी ताकत से साथ दिया, ये उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर शायद हम कल तक समझाते तो नहीं आती समझ में, ये अच्छी बात है कि उन्होंने समझा दिया इस बात को कि आप अगर कभी मैं सीट दूंगा भी तो अपने को दूंगा। आज देखे जाते तो लोगों को लगता कि ठीक, हम किसी के पीछे रहे हैं तो हमें टिकट दे के गए, तो इस आधार को मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है। गए तो बुरे गए और लौट के आए तो और बुरे आए, तो ये स्थिति बन गई है। और मैं जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर जब आप ज़मीन पर काम करोगे गरीब किसान नौजवान के लिए, तो आपकी जाति, आपका समाज, आपका सम्मान खुद बढ़ा देगी और आपके लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आज तक लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई साहब आपने गलती की, आपको टिकट मिल जाता। तमाम लोगों ने मुझसे कहा, आज तक मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना दूँ, बड़े बड़े नेताओं ने, मैंने उनसे कहा कि मैंने जब पिछोर खनिया धाना की जनता से ये बात कही थी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, टेकरी सरकार यहाँ पर है, कहते हैं देश के तमाम क्षेत्र के लोग टेकरी सरकार में आते हैं, उस स्थान पर खड़े होकर मैंने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं सिर्फ जो जिला बनाएगा, आज ही नहीं, जब से हमने मुहिम शुरू करी थी जिले की, तब से हमने इस बात को कहा था कि जो जिले के लिए ठोस बात करेगा, मजबूत बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। इसलिए मेरा मकसद चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव की राजनीति सोचता, जनता के हित की बात नहीं सोचता। मैंने जनता की इसलिए बात रखी कि जिला बनेगा तो जहाँ पर आज कुत्ते का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ, आप सोचो अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध नहीं है यहाँ पर,
से पूरी कितनी दूर है, 120 किलोमीटर पड़ता है बामोर से। आप उसके बाद बताइए कि यहाँ किसान कितना परेशान है कि नहरें खुलाने के लिए, खुलवाने के लिए अगर आप मदद करोगे तो दूसरा नेता विरोध करेगा कि ऐसा ना हो, ये अच्छा काम इनके थ्रू हो जाए तो मेरी बदनामी। जब आप पिछोर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आपको क्या अनुमान लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कितने मतों से इस चुनाव को जीते? मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि मेरा तो निवेदन नहीं है कांग्रेस से, मैं कहूँगा कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें पिछोर ही भेजा जाए चुनाव लड़ने के लिए। हम जिन गांव में जा रहे हमें अपने काम पर भरोसा था, पार्टी ने जो काम किया वो तो किए ही है। लाडली बहन के माध्यम से तमाम गरीबों के हित में जो योजनाएं चलाई वो अलग थी, लेकिन हम जो मुद्दा उठा रहे, जिस मुद्दे को लेकर भाजपा के नेताओं ने आश्वासन किया जनता को, तो हर समाज ये चाहता है कि हमने जिंदगी भर तो वोट दिया, एक बार हमने नेताओं को ना देके हम अपने ज़िले के लिए वोट दें जिससे ज़िला बन जाए और हमारा जीवन भर का, मैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाए। तो आप ये मान के चलना, मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता कि आज की डेट में आप कम से कम 40,000 से चुनाव जीत रहे हो, 40,000 वोटों से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक्टिव रहा करते थे, बमीना विधानसभा क्षेत्र में आपका अच्छा नाम भी गूंजा है, अब वहाँ से यहाँ आने की वजह या कारण जो? देखिए मैं बताऊँ, ये बातें उनके लिए ज़रूरी हैं जो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक डर मुझसे महसूस करते हैं। जनता मुझे प्यार दे रही है, जनता मेरा सम्मान कर रही है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर यहाँ जनता को मेरी ज़रूरत नहीं होती, मैं उनके हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, तो जनता मुझे इतना प्यार क्यों देती? ये सवाल वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में मुझे शायद इससे राजनीतिक खतरा होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना लेती है तो आपको क्या उम्मीद है, कब तक पिछोर को जिला बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जिला बनेगा, ये हमारे प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जिला बन सरकार बनते ही जिला की घोषणा होगी पहली कैबिनेट बैठक के अंदर। अगर किसी कारणवश घोषणा ना हुई तब? ना हुई तो ऐसा नहीं कि पहली कैबिनेट, अगर एक आध महीना दो महीना इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा, होता है राजनीति में कि ऐसा नहीं कि एक दो महीने, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बनते ही जिले की घोषणा होगी। अब जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, और आज से 25 दिन पहले जब हम लोगों के बीच में इंटरव्यू कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने वाले लोग ना के बराबर मिलते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हैं, ऐसा क्यों? ये तो आपको देखना चाहिए कि एक जब मुद्दा आप जो सारे लोगों का मुद्दा आप ले कर चल रहे कि जिला बनेगा तो लोगों का भविष्य बदलेगा। मैं शायद राजनीतिक जाता तो लोग शायद मुझे भी कहीं ना कहीं तोलते, लेकिन उन्हें लगा, लोगों को विश्वास है जनता को कि जो पंजाब सिंह ने जो मुद्दा उठाया वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरे पिछोर खनिया धाना में जिसका उससे नुकसान हो, हर व्यक्ति को फायदा है, भले ही वो कांग्रेसी हो, वो बसपा का हो। तो इसलिए जो माहौल चेंज हुआ है वो माहौल का कारण यही है कि हम लोग गए, और दूसरा जो नीति, अभी चुनाव आप देखना माहौल पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव ऐसा बनेगा कि जो अभी 19-20 का मामला था कि आप देखना कि भाजपा 60 पर जाएगी और ये 40 पर आएंगे कांग्रेस। सर बस अंतिम सवाल, भोपाल में आप क्या देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाकर सरकार बनाने जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि भोपाल में बहुमत से आप ये मान के चलना कम से कम 20 सीटें ज़्यादा आएंगी, बहुमत के ऊपर, मतलब 137 के आसपास, 137 के ऊपर सीटें आप श्योर मान के चलना। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ पंजाब सिंह यादव जी, सर ने हमें समय दिया, हमने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।